नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको लेके चलने वाली हूँ शनि शिंगणापुर के दर्शन की यात्रा पे। और दोस्तों, भक्त अक्सर शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करने के बाद यहाँ शनि शिंगणापुर में भगवान शनि के दर्शन करने के लिए आते हैं। और शिरडी से शिंगणापुर की दूरी 75 किलोमीटर की है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि साईं के धाम शिरडी में दर्शन करने के बाद आप शिंगणापुर आके भगवान शनि के दर्शन कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप सीधे शिंगणापुर पहुँच के यहाँ भगवान शनि के दर्शन करना चाहते हैं तो आप अपने राज्य से यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको यहाँ कहाँ रुकना चाहिए, खाने की क्या फैसिलिटी मिलने वाली है, आपको यहाँ दर्शन कैसे करने हैं और इस ट्रिप में आपको कुल खर्चा कितना आने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको यहाँ कैसे पहुँचना है। तो दोस्तों, शनि शिंगणापुर मंदिर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। और अगर आप शिरडी से शनि शिंगणापुर तक दर्शन करने के लिए पहुँचना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नियमित अंतराल पे शेयरिंग टैक्सीज मिल जाएंगी, जो कि आपको मंदिर तक उतार देंगी। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस मार्ग पर नियमित बसें नहीं मिलती, लेकिन ये मार्ग प्राइवेट टैक्सीज द्वारा बहुत अच्छी तरह संचालित है। और दोस्तों, शिरडी से शनि शिंगणापुर पहुँचने में करीब 2 घंटे का समय लगेगा। और दोस्तों, शनि शिंगणापुर में दर्शन पूरा करने और शिरडी लौटने में कम से कम आपको 5 से 6 घंटे का समय लग जाएगा। तो दोस्तों, मेरा सजेशन यहाँ पे आपको ये रहेगा कि आप शिरडी से शनि शिंगणापुर के लिए एकदम सुबह सुबह ही निकल जाइए। इसका फायदा आपको ये मिलेगा कि आपको सुबह सुबह ट्रैफिक तो कम मिलेगा ही, और साथ ही साथ आप यहाँ दर्शन करके और वापस शाम तक शिरडी लौट सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि अगर आप अपने राज्य से सीधे शनि शिंगणापुर तक पहुँच रहे हैं तो आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो शनि शिंगणापुर का निकटतम रेलवे स्टेशन राहुरी है, जो कि शिंगणापुर से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा दोस्तों, आप अहमदनगर रेलवे स्टेशन भी उतर सकते हैं, जिसकी शिंगणापुर से दूरी 35 किलोमीटर की है। इसके अलावा आप श्रीरामपुर रेलवे स्टेशन भी उतर सकते हैं, जो कि शिंगणापुर से 54 किलोमीटर की दूरी पर है, और शिरडी रेलवे स्टेशन 75 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कोई भी पर्यटक भारत के किसी भी शहर से इन स्टेशनों के लिए चलने वाली ट्रेनों का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, देश के प्रमुख शहरों जैसे कि मुंबई, पुणे, दिल्ली, मनमाड़, गोवा, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और शिरडी जैसे शहरों के अलावा भी भारत के कई शहरों से यहाँ के लिए ट्रेनें उपलब्ध हैं। और दोस्तों, शनि शिंगणापुर के निकटतम रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आप मंदिर तक पहुँचने के लिए ऑटो रिक्शा या टैक्सी ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो शनि शिंगणापुर का निकटतम हवाई अड्डा औरंगाबाद हवाई अड्डा है, जो कि 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा एक अन्य हवाई अड्डा नासिक हवाई अड्डा है, जो कि 144 किलोमीटर की दूरी पर है। और दोस्तों, हवाई अड्डे पर उतरने के बाद आप बाय रोड टैक्सी लेके शनि शिंगणापुर तक पहुँच सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आमतौर पे भक्त एक ही दिन में यहाँ दर्शन करके और लौट जाते हैं, यहाँ रुकते नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो आपको यहाँ बहुत सारे प्राइवेट होटल्स के साथ साथ मंदिर प्रशासन के भक्ति निवास भी मिल जाएंगे। और बात करें अगर हम इनके कॉस्ट की, तो मंदिर प्रशासन के भक्ति निवास में आपको 300-400 रुपये में रूम आराम से अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप यहाँ के प्रसादालय में शनिदेव का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और बात करें अगर यहाँ के प्रसादालय की टाइमिंग की, तो सुबह 10 बजे से दोपहर के 3 बजे तक ये प्रसादालय खुला रहता है, और इसके बाद 3 बजे से 6 बजे के बीच ये बंद रहता है, और शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक ये फिर से खुला रहता है। तो आप यहाँ जाकर शनिदेव का प्रसाद जरूर ग्रहण कीजिएगा। और दोस्तों, टैक्सी वाला आपको यहाँ स्टैंड पर उतारेगा, और स्टैंड के ठीक पीछे आपको एक लाइन में प्रसाद की दुकानें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि प्रसाद वाला आपको लूटने की कोशिश कर सकता है। जब तक आप कुछ सोचेंगे समझेंगे, तब तक वो जबरन आपके हाथ में प्रसाद की टोकरी पकड़ा देंगे और मंत्र पढ़ना शुरू कर देंगे। और इसके बाद जब आप प्रसाद का रेट पूछेंगे तो वो आपको 500 रुपये बताएंगे, जिसकी कीमत बाहर 100 रुपये से भी कम होगी। और इसके बाद जब आप कहेंगे कि आपको इतना महंगा प्रसाद नहीं लेना है, तो वो आपको जवाब देंगे कि आप प्रसाद को छू चुके हैं और संकल्प मंत्र पढ़ा जा चुका है, इसलिए वो इस प्रसाद को वापस नहीं ले सकते हैं, तो मजबूरन आपको उसे 500 रुपये देने ही पड़ेंगे। और दोस्तों, बाहर से आके यहाँ इन लोकल लोगों से उलझना ठीक नहीं है, इसलिए मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप पहले से ही सावधानी बरतें। और दोस्तों, यहाँ से आप पूजा सामग्री में सरसों के तेल की बोतल लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मंदिर में शनि देव का सरसों के तेल से अभिषेक होता है। चलिए दोस्तों, अब हमें मंदिर की तरफ बढ़ना है। और दोस्तों, पार्किंग से मंदिर तक की दूरी आप 5 से 10 मिनट के अंदर तय कर लेंगे। और मंदिर में अंदर प्रवेश करने के बाद आपको बगल में ही अभिषेक रिसिप्ट काउंटर दिख जाएगा। अगर आप अभिषेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको रिसिप्ट लेनी होगी, और रसीद लेने के बाद आपको एक जगह तेल अर्पित कर देना है, जहाँ से वो शनि महाराज तक पहुँच जाएगा। और इसके बाद दोस्तों, आपको लाइन में लग के शनि देव के दर्शन करने हैं। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर में आपको शनि देव की कोई मूर्ति देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ सिर्फ उनकी पाषाण प्रतिमा के दर्शन आप कर सकते हैं। और ये पाषाण प्रतिमा करीब 5.5 फीट ऊंची है, और इसे संगमरमर के मंच पर खुले आसमान के नीचे रखा गया है। और यहाँ पे भगवान शनि की मूर्ति पर सरसों का तेल तांबे के पात्र से लगातार टपकता रहता है, जो कि मूर्ति के ठीक ऊपर लटका हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, आप यहाँ नंदी, हनुमान और शिव की मूर्तियों के भी दर्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ और भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जिनमें आप जाके दर्शन कर सकते हैं।
और दोस्तों यहाँ मंदिर में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी और ये प्रथा यहाँ 400 से अधिक वर्षों से चली आ रही थी। लेकिन 8 अप्रैल 2016 को इस परंपरा के खिलाफ विरोध किए जाने के बाद इस मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति मिल गई है। तो अब यहाँ महिला हो या पुरुष दोनों ही बराबर रूप से यहाँ आके शनि भगवान के दर्शन पूजन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ शनिवार के दिन या शनि अमावस्या या फिर शनिश्चय जयंती के दिन आते हैं तो आपको यहाँ मंदिर में काफी भीड़ देखने को मिलेगी। और दोस्तों अगर आप इस मंदिर की स्थापना संबंधी रोचक कथा जानने में रुचि रखते हैं तो आपको ये कथा नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ने को मिल जाएगी, आप उसे भी जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको शनि शिंगणापुर के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए और कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा यहाँ विजिट करने के लिए। तो दोस्तों एक दिन का ट्रिप आपके लिए यहाँ के लिए पर्याप्त रहेगा और इसके बाद अगर आप शिरडी जाकर भी दर्शन करना चाहते हैं तो आप एक दिन और ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों शनि शिंगणापुर में दर्शन के लिए सबसे अच्छा समय सितंबर से नवंबर के बीच का होता है क्योंकि इन महीनों में यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा होता है। और दोस्तों बात करें अगर हम बजट की तो शनि शिंगणापुर में दर्शन के लिए ऑन एन एवरेज आपको 1 से 1.5 हज़ार रुपये तक का खर्चा आ जाएगा। और दोस्तों इस बजट में मैंने आपके एक दिन के यहाँ भक्ति निवास में रुकने का खर्चा भी इंक्लूड किया है। तो अगर आप यहाँ रुकते नहीं है, सेम डे ही आप दर्शन करके लौट जाते हैं तो उस केस में आपका ये बजट और भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, stay happy, stay fit and keep traveling.